आप लोगों को अपने बेडरूम का टूर कराने वाली हूँ। तो ये है मेरी बेडरूम की एंट्रेंस, और अगर मैं ऑल ओवर व्यू दिखाऊं तो ये है मेरा प्यारा सा बेडरूम। तो हम शुरू करते हैं यहाँ से, डोर से। ये मास्टर बेडरूम है और ये है हमारा बाथरूम, और उसके साथ ही ये वॉल पे लगी हुई है एक हैंगर। यहाँ पे सारे हमारे जो नाइट ड्रेस मेरे हस्बैंड के और कपड़े जो होते हैं वो यहाँ पे हम इजीली हैंग करते हैं। और ये है हमारा वार्डरोब। ये पहले हाफ वार्डरोब था, अभी रिसेंटली ही मैंने जो है सीलिंग टच ऊपर जो आप लोगों को डिफरेंट शेड में दिखाई दे रहा है वो जो है अभी अभी मैंने बनाया है, ताकि मेरे जो एक्स्ट्रा कपड़े हैं और जो भी चीज़ है मैं इजीली पर्स वगैरह रख सकूं। काफ़ी अच्छा है वो, काफ़ी स्टोरेज मिला है हमको उसकी वजह से। और ये है हमारा फोर डोर वार्डरोब। वार्डरोब का किसी दिन ऑर्गेनाइज मैं आप लोगों को दूंगी, आज तो मैं सिर्फ आपको अपने बेडरूम का टूर करवाने वाली हूँ। तो ये है एंट्रेंस के साथ ही, अभी मैं पीछे से बताती हूँ कि ये जो साइट है ये मेरे हस्बैंड की साइट है, और ये छोटा सा कारपेट मैंने रखा है क्योंकि मेरा बेडरूम जो है वो पिंक और वाइट शेड में है, पिंक और वाइट कलर में किया हुआ है, इसलिए मैंने सारी चीजें कोशिश की है कि रेड और पिंक जो है उससे ही वो ही लूँ मेरे बेडरूम के लिए। तो ये मैंने रेड एंड वाइट कलर का छोटा सा कारपेट लिया है। और ये है साइड टेबल मेरे हस्बैंड का, जिसके अंदर दो ड्रॉअर है, इसमें सारी उनकी चीजें है। ये जो वाइट बॉक्स आपको दिखाई दे रहा है ये इनके वॉच बॉक्सेस बॉक्स है, इसमें इनकी सारी जितने भी वॉचेस का कलेक्शन है वो रखा हुआ है। और ये दो जो ड्रॉअर है उसके अंदर उनके परफ्यूम और मेडिसिन वगैरह रखे हुए हैं। और ये है हमारा बेड, ये फुल साइज बेड है। और ये जो बेडशीट है मैंने अभी ईद में बिछाई है, मुझे इसकी प्रिंट बहुत अच्छी लगी। वैसे भी मुझे कॉटन बेडशीट जो है वो बहुत पसंद आती है, तो वही मैंने ली थी। और ये जो इस तरह से पीलो का अरेंजमेंट है, और यहाँ पर ये वॉल जो है खाली आपको नजर आ रही है, यहाँ पे मैं कुछ ना कुछ करने वाली हूँ, लेकिन मैं कोई फ्रेम वगैरह नहीं लगाना चाहती हूँ, मुझको खुला खुला घर ही बहुत अच्छा लगता है, इसलिए मैंने काफ़ी वॉल्स पे कुछ भी नहीं किया है, लेकिन यहाँ पे मैं डेफिनेटली कुछ करूँगी। और ये साइड है मेरी जहाँ पे आपको ये ड्रेसिंग टेबल दिखाई दे रहा है, तो ये यहाँ पे ये ड्रेसिंग टेबल को भी मैंने DIY किया हुआ है, डेकोरेट किया हुआ है इस तरह से लाइट लगा के। और यहाँ पे ये थ्री ड्रॉअर का ड्रेसिंग टेबल है जहाँ पे मेरे कॉस्मेटिक्स परफ्यूम सब कुछ जो भी मेरा चीज़ें होती है वो मैंने रखी हुई है वहाँ पर। और ये एक वाहिद होल्डर आपको दिखाई दे रहा होगा जो हमारे मोबाइल की चार्जिंग वगैरह के लिए, या आयन करना है कपड़ों को तो भी हम यहीं पर लगा के करते हैं। और ये कर्टन जो है मैंने लगाया है रेड कलर का कर्टन हमारे बेडरूम में। तो ये हमारी है थर्ड वॉल। और यहाँ से अगर हम टर्न करते हैं तो यहाँ पर है हमारा छोटा सा टीवी जो हमने बिल्कुल अपने बेड के सामने लगाया हुआ है।
काफी दिनों से मैं ये चाह रही थी कि मैं आपको अपने बेडरूम का टूर करवाऊं, तो मौका ही नहीं मिल रहा था। रमजान की मसरूफियत और ईद की मसरूफियत की वजह से बिल्कुल भी मैं टाइम नहीं निकाल पा रही थी। तो अब आज मुझको रेसेंटली ऐसे टाइम मिल गया है, तो मैंने सोचा कि क्यों ना आज मैं आप लोगों को ये टूर करवाऊं। यहाँ पे हमारे बेडरूम की जो फ्लोरिंग है वो भी मुझे बहुत पसंद है। तो ये है ऑल ओवर लुक मेरे बेडरूम का। आपको कैसे लगा और आप मुझे कमेंट्स करके जरूर बताएं कि मुझको ये वॉल पे क्या करना चाहिए। वैसे मैंने तो सोच रखा है मैं वही करने वाली हूँ, लेकिन मैं देखना चाहती हूँ कि आप लोगों की सोच मेरी सोच से कितनी मिलती है और आप लोग क्या सोचते हो कि यहाँ पे क्या होने वाला है। और किसी दिन मैं आपको मेरे ड्रेसिंग टेबल का भी ऑर्गेनाइज बताऊंगी। और ये जो ड्रेसिंग टेबल है इसके पीछे भी एक कहानी है, तो वो भी मैं आपको किसी दिन बताऊंगी। तो आज तो फिलहाल मुझको सिर्फ आपको मेरे बेडरूम का टूर करवाना था, तो मैंने बेडरूम का आपको टूर करवा दिया है। और नेक्स्ट व्लॉग में इंशाल्लाह मैं अपने बच्चों के बेडरूम का टूर करवाऊंगी। तो अगर आपको मेरा चैनल पसंद आ रहा है तो उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और कमेंट्स करके ज़रूर बताइए कि आपको मेरा वीडियो कैसे लग रहा है, ताकि मैं और भी अच्छे अच्छे वीडियो आप लोगों के साथ में शेयर कर सकूं। और हाँ, ये जो डोर है मेरे बेडरूम का जो डोर है, ये डोर के पीछे भी हमने इस तरह से जो है अरेंजमेंट किया हुआ है। यहाँ पर हमने एक टॉवल रॉड जो होता है वो लगाया है, और उसमें जो है मेरे हस्बैंड के ये हैंगर हमने लगाया है, जिसमें ये देखिए यहाँ पे तो लाइट कम है, तो यहाँ पे मैंने इस तरह से हैंगर लगाया है जिसमें मेरे सारे हस्बैंड के जो है सारे बेल्ट लगे हुए हैं। और ये क्योंकि डोर के पीछे है तो ये इस तरह से छुप भी जाता है और ऑड भी नहीं लगता, तो इस तरह से मैंने यहाँ पर इसको जो है अरेंज किया हुआ है। और वहां पे हम टॉवल भी लगा सकते हैं, क्योंकि मुझको कहीं पे भी कपड़े लटके हुए रहना और हर जगह हैंगर लगा हुआ रहना बिल्कुल पसंद नहीं है। तो इस तरह से मैं हमेशा वॉल खाली वॉल होती है तो ऑर्गेनाइज करने में भी इजी हो जाता है और बहुत वर्कलोड कम हो जाता है, क्योंकि अगर हम हर जगह हर चीज लटका लटका के रखेंगे तो वो अनटाइडी लगता है। क्योंकि अगर आप चाहते हो कि आपका रूम जो है वो क्लीन, नीट एंड क्लीन नजर आए, तो हमेशा अपने सरफेस को जो है वो एम्प्टी रखें और कोई भी चीज यहाँ वहाँ हैंग ना करें। बस अगर ये हम दो टिप फॉलो अप करते हैं तो हमारा रूम जो है वो हमेशा हमें ऑर्गेनाइज दिखाई देता है। और ये मेरी क्योंकि आपको तो पता ही है कि मैं वर्किंग हूँ, तो ये मेरी हैबिट ही है कि जैसे ही मैं मॉर्निंग में उठती हूँ सबसे पहले अपना बेड जो है वो क्लीन कर लेती हूँ, ताकि जब शाम में मैं घर पे लौटूं तो मुझको मेरा बेडरूम जो है वो, और अगर मैं आराम करना चाहूं तो मेरा बेडरूम जो है वो मुझको रेडी मिले, नीट एंड क्लीन मिले। ये ना कि ये कि अगर मुझको आराम करना है तो पहले मुझको बेड क्लीन करना पड़ेगा और फिर सब कुछ ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा और उसके बाद ही मैं आराम कर सकती हूँ। तो क्योंकि टाइम और टाइम का मैनेज तो हम सभी को करना चाहिए, तो
तो उसके हिसाब से ही मैं काम करती हूँ। तो ये था आज का मेरा व्लॉग। तो आपको कैसे लगा और आपको मेरे बेडरूम पसंद आया या उसके अंदर कोई कमी महसूस हुई है या आप कुछ भी, आपका जो भी ओपिनियन होगा तो आप ज़रूर मुझको कमेंट्स करके बताइए कि आपको मेरा व्लॉग कैसे लगा। और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अल्लाह हाफिज़।